play the twins. The twins khelo please. The twins khelo re papa. We want the twins. ग्रैंडपा पीते हैं देसी दारू थोड़ी थोड़ी और आज हम लोग पहुँच गए चोर के घर में ही करने चोरी। तो थैंक यू गाइस। तो अभी ना हम लोग सीधा गेम प्ले की ओर बढ़ते हैं। अभी ना मैं थोड़ी सी आपको इन ट्विंस का कहानी बता देता हूँ। बहुत लोगों को नहीं पता कि ये ट्विंस कौन है। तो इन दोनों का असली नाम गाइस चिन्ना चिनोटिया है और ये दोनों ने इंडिया के बहुत बड़े चोर है, एकदम गाइस धूम के ऋतिक रोशन की तरह। तो गाइस ये दोनों ना काफी फेमस चीजें चुरा कर अपने घर पे छिपाया है, जैसे कि मोनालिसा का पेंटिंग, कॉइनूर डायमंड और तो और मेरा 2 रुपए का सिक्का रे पापा। तो अभी ना गाइस हमें उन्हीं चीजों को चुरा के यहाँ से स्केप करना है। तो अभी मेरे को यहाँ पे कुछ आइटम पड़े मिल गए और ये क्या भाई मेरे को स्टार्टिंग में डायनामाइट दे दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और तो और मेरे को यहाँ पे रिवॉल्वर पार्ट भी मिल गया, बट अभी इसको करना क्या मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और अभी एक सेकंड गाइज, यहाँ पे मैंने एक अंडरग्राउंड प्लेस को खोज लिया। और गाइज ऐसे हॉरर गेम में ना मेन आइटम ऐसे ही डरावने प्लेस पे पड़ा होता है, मे भी हमें यहाँ से कुछ काम का मिल जाए। तो अभी फटाफट से हम लोग इस पे चलते गाइज। और अभी ना मेरे को काफी डर लग रहा है क्योंकि ना ये पजल देख के मेरे को काफी मुश्किल लग रहा है और मेरे को नहीं लगता कि मैं इसको फर्स्ट डे में क्लियर कर पाऊंगा। अभी ना आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ क्या मैं इसको फर्स्ट डे में क्लियर कर पाऊंगा। नहीं, फटाफट से हम लोग इस पे बैठ कर नीचे की साइड चलते हैं। ओ भाई साहब, नीचे में गाइस कितना अंधेरा है। अभी तो मुझे नीचे जाने में भी डर लग रहा। अभी मेरे को नहीं पता गाइस हमें यहाँ से कहाँ जाना है। एक सेकंड, यहाँ पे मेरे को कुछ तो दिख रहा है। अरे भाई ये क्या आ रहा है, मुझे लग ही रहा था यहाँ पे कुछ ना कुछ अजीब होगा। मुझे नहीं पता कि ये डायनामाइट से मरेगा भी कि नहीं, बट अभी ट्राई करने में क्या जाता गाइस, मे भी इसको डायनामाइट से कुछ तो होना चाहिए। ओके गाइस, तो हम लोगों ने इसका मार के पाद निकाल दिया। तो अभी फटाफट से चलकर हम लोग अपना आइटम को ले लेते हैं। और भाई ये मर गया ना, अभी तो मेरे को इसको देख के काफी डर लग रहा है। अभी काट वाट ना ले। ओ भाई साहब ये क्या था, चलो जो कुछ भी था गाइस अच्छा हुआ। तो अभी फटाफट से हम लोग ऊपर साइड चलते हैं। मेरे को यहाँ से हैंडवील मिल गई है और लिटरली गाइस मुझे भी नहीं पता ये कहाँ पे यूज आने वाली है। तो अभी फाइनली हम लोग ऊपर की साइड वापिस आ चुके हैं। बिल्कुल संभल के गाइस कहीं यहाँ से गिर न जाऊं। अच्छा हमको सिखा रहा है। सो अभी फाइनली हम लोग जैसे तैसे करके ऊपर की साइड पहुंच चुके हैं और मुझे उस साइड जाने से अभी काफी डर लग रहा है क्योंकि अभी वो लोग दोनों वहीं पे कैंपिंग कर रहे होंगे। प्लीज यहाँ पे कोई ना कोई ना, अरे भाई कोई तो मेरे को देख लिया यहाँ पे। अरे देखिए बेटा तू यहाँ पे पीला क्या। अबे यार ये तो चिनौटी है। अभी चिनौटी से बच के मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा गाइस। मेरे को क्यों लग रहा है कि ये यहाँ पे आ रहा है। यार निकल लो यहाँ से, निकल लो अभी। सो अभी हम लोग किसी सीवर के अंदर आ चुके हैं। अच्छा तो हैंडविल यहाँ पे लगेगा। ओके पर यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, मे बी ये कहीं का पासवर्ड हो। तो अभी मैं पासवर्ड को अच्छे से याद रख लेता हूँ। तो हमारा पासवर्ड है 2414। अभी ना आप लोग भी इस पासवर्ड को अच्छे से याद रख लो रे पापा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। अभी मेरे को डोर स्किप करने के लिए और भी आइटम चाहिए होगा। और तो और मेरे को वेपन को भी ढूंढना है। अरे यार फिर से किसी ने मेरे को देख लिया। बट अभी ना टेंशन लेने वाली बात नहीं है गाइस, मेरे पास ना अभी काफी मस्त आइडिया है। मैं ना ये रिवॉल्वर पार्ट को यहाँ पे ड्रॉप करके थोड़ी सी शोर कर लेता हूँ और अभी ना वो लोग शोर सुन के नीचे भागे भागे से जाएंगे। मस्त प्लान है। और अभी शायद से यहाँ पे प्लैंक लगा हुआ है जिसको लेने के लिए हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। ओ भाई साहब, वैसे मेरे को स्किप करने के लिए यहाँ पे काफी सारे आइटम मिल गए। ओके गाइस मेरे को यहाँ पे एक पैटर्न दिख रही है, तो अभी मैं इसको भी अच्छे से याद कर लेता हूँ। और अभी क्या रे पापा, जल्दी से हम लोग इस सीवर की ओर चलते ना रे पापा। अभी हम लोग इस सीवर को भी अच्छे से चेक कर लेते हैं, क्या पता हमें यहाँ पे कुछ काम का मिल जाए। यहाँ पे तो वैसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ इस स्विच को छोड़कर। और इस वाले स्विच को दबाने से पूरी घर की बिजली कट गई गाइस, और ये करना काफी जरूरी था अभी। मगर क्यों? क्योंकि ना ऊपर में एक डोर होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कट होने के बाद ही ओपन होती है, तो उसको ओपन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को कट करना पड़ेगा ना रे बाबा। पता नहीं ये देसी बटुआ कहाँ पे। अरे देसी बटुआ तू यहाँ पे। अरे भाई इसने तो मेरे को देख लिया। अरे भागता किधर है यार, निकल लो यहाँ से, निकल लो अभी। तो अभी ना जिससे पहले कि चिन्ना यहाँ पे आ जाए, फटाफट से मैं इस वाले डोर को ओपन कर लेता हूँ। और अभी क्या रे बाबा, फटाफट से हम लोग इस वाले शॉर्टकट रास्ते को भी ओपन कर लेते हैं। और साइड से इस वाले आयरन डिस्क को यहाँ पे लगाना है। और अभी कुछ तो ऊपर से गिरा गया। अभी चिनौटी तो नीचे पर चिन्ना का पता नहीं। भाई ये डीसी ब्रो का नहीं छोड़ना है। डीसी ब्रो का नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई ये लोग तो मेरे ही बात कर रहे हैं। अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे मेरे को क्या करना है। ओके तो अभी मेरे को यहाँ से भी जंप करना पड़ेगा। और ये लोग हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और शायद ना मेरे को ये वाला प्लैंक को भी यहीं पे लगाना है। और ये हमने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। और अभी फाइनली मेरे को यहाँ पे पेंटिंग मिल चुकी है गाइस, जिसको भी लेने के लिए मेरे को स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगी। तो अभी क्या रे पापा, अभी यहाँ से चलते ना गाइस। और मैं तो उधर से भी
बिल्कुल नहीं जाने वाला, क्योंकि अभी मेरे को मालूम है वो लोग अभी वहीं पे कैंपिंग कर रहे होंगे। वैसे मेरे को नहीं पता ये फिर कौन सा प्लेस है, प्लीज यार यहाँ पे भी कोई भी ना हो। ओके तो यहाँ पे भी कोई भी नहीं है, इससे पहले कि यहाँ पे कोई आ जाए फटाफट से स्क्रोवर से सारे प्लैंक को हटा लेता हूँ, और अभी सिर्फ और सिर्फ इसको हटाना है। और यहाँ पे कुछ तो पड़ा है। ओके तो मेरे को यहाँ पे रिवॉल्वर का पार्ट मिल गया, तो मैंने कहा वहाँ पे एक रूम देखा था। अरे यार ये तो वापस से आ गया भाई साहब, अभी मेरे को जल्दी से यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो गाइस मेरे को यहाँ पे एक और रिवॉल्वर का पार्ट मिल गया, और अभी शायद से मेरे को रिवॉल्वर के सारे पार्ट अभी डेली हड्डी कट कर दिया, और पीछे से चिनौटी और आगे से चिन्ना। ओ माय गॉड अभी मैं बाल बाल बच गया गाइस। मुझे ना डोर स्किप करने के लिए मुझे सबसे पहले वेपन चाहिए होगा, जिसको ना अभी क्राफ्ट करने के लिए हमें नीचे चलना पड़ेगा। और अभी मेरे को कुछ भी नहीं करना गाइस, ये रिवॉल्वर के सारे पार्ट को मुझे इस ब्लूप्रिंट पे रखना है। और अभी ना इसको भी रख लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसको उठा के इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। और अभी हमें रिवॉल्वर का लास्ट पार्ट चाहिए होगा, जो कि मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। और बूम गाइस अभी हमारा रिवॉल्वर कंप्लीट हो चुकी है, और अब तो मेरे को ये दोनों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो थोड़ी से हम लोग यहाँ पे शोर कर लेते हैं, ताकि वो दोनों शोर सुनकर यहाँ पे आ जाए। और मैंने तो यहाँ पे एक चीज नोटिस किया ही नहीं, यहाँ पे मेरे को कॉइन भी मिल चुकी है, इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे डायमंड ढूंढना है। डायमंड ये मोटू क्या गुंडा बनेगा रे पापा, यार इससे बड़ा गजा तो मैंने आज तक नहीं। मेरे भाई को गजा बोलता। चल निकल तू भी निकल, वही तो सोचो तू अभी कहाँ से बच गया। सो अभी ना सब लोग कमेंट में ओपी डीएचएन फैमिली लिख दो, ताकि इन दोनों को पता चल जाए कि हमारी डीएचएन फैमिली इन दोनों से बिल्कुल नहीं डरती। तू अभी कमेंट करोगे ओपी डीएचएन फैमिली। कॉइन को मैंने अभी यहीं ड्रॉप कर दिया, और फटाफट से हम लोग इस वाले आइटम को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आयरन कॉग पड़ा है, जो कि गाइस मेरे को नहीं पता भी ये कहाँ पे यूज होने वाला है। जब तक वो दोनों यहाँ पे नहीं है, फटाफट चलकर हम लोग एक बार ऊपर को भी देख लेते हैं, क्या पता मैं यहाँ पे कुछ काम का मिल जाए। बात तो सही है। ओके तो मेरे को यहाँ पे डोर हैंडल मिल गया है, बट अभी ना मेरे को स्क्रू चाहिए रे पापा। Maybe हमें स्क्रू अभी ऊपर मिल जाए। और यहाँ पे मेरे को ढेर सारे कवर्ड भी दिख रहे हैं, अभी इसको ओपन करके देख लेते हैं। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है गाइस, और ये वाला रूम मेरे को सिक्योरिटी रूम लग रहा है। यहाँ पे एक लॉकर पड़ी है, और शायद से इसके लिए कोई की चाहिए होगा, बट अभी सबसे पहले हम लोग इस वाले लॉकर को ओपन कर लेते हैं। और शायद से हमारा पासवर्ड था 2414। ओके गाइस इसका मतलब कि हमारा पिन बिल्कुल सही है, और इसमें से मेरे को रेड की भी मिल गई है। वैसे यहाँ पे भी एक रूम है, और मैंने ये वाला रूम को अभी तक चेक नहीं किया, क्या पता यहाँ पे भी कुछ हो। ये क्या चमक रहा है भाई। ओ गाइस मुझे लग रहा था यहाँ पे कुछ ऐसा ही होगा, तो नीचे में मैंने एक पैटर्न दिखा था, तो अभी इसको यहाँ पे डाल के देख लेते हैं। अभी मेरे को नहीं पता इससे क्या होने वाला है। ओ भाई बाहर में कुछ तो ओपन हुआ है, तो अच्छा गाइस इस वाले पेंटिंग के पीछे भी कुछ ना कुछ पड़ी होती है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो अभी इस वाले स्विच को भी उठा लेते हैं, और मेरे को नीचे जाकर अभी ये भी देखना पड़ेगा कि वाला स्विच कहाँ पे लगेगा। बट अभी थोड़ा आराम से गाइस, क्योंकि ना अभी वो दोनों वापिस से आ चुके होंगे, और मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। शायद से मैंने ये स्विच का स्लॉट यहीं कहीं पे देखा था, मे भी ये यहीं कहीं पे लगेगा। ओके तो ये रहा गाइस, तो अभी बस इसको यहाँ पे लगाना है, और इस वाले बटन को दबा के देखते होता क्या है। ओ भाई साहब तो यहाँ पे एक सीक्रेट डोर ओपन हो चुका है, और अभी हो सकता है गाइस इन दोनों ने डायमंड को यहीं पे छुपाया हो, तो अभी देखते गाइस यहाँ से हमें डायमंड मिलता है या कुछ और। मेरे को तो यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है। ओके जो मैंने बाहर में कॉगविल देखा था वो यहाँ पे लगेगा, तो फटाफट से चलकर हम लोग उस वाले कॉगविल को ले आते हैं। और प्लीज यार अभी कोई बाहर में ना हो, वरना मैं डर जाएगा रे बापा। और अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं है गाइस, बस इसी तरह बाहर में भी कोई ना हो। और हाँ प्लीज यार कोई अचानक से मत आना। ओ भाई सब यहाँ पे मतलब कोई भी नहीं है गाइस, इससे पहले कभी यहाँ पे कोई सच में आ जाए मुझे फटाफट से इस कॉविल को लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो अभी इसको लेकर हम लोग वापस से उसी जगह चलेंगे गाइस। एक सेकंड गाइस यहाँ पे मैं अच्छे से देख लेता हूँ, पता नहीं कोई आ गया हो, क्योंकि ना इन दोनों का कोई भी ठिकाना नहीं गाइस, ये दोनों अचानक से कहीं पे पहुंच जाते हैं। इस वाले कॉकपिट को हम लोग यहाँ पे लगा के देखते हैं आखिर होता क्या है। इसको यहाँ पे लगाने से तो वैसे कुछ भी नहीं हुआ गाइस, क्या पता अभी कुछ बाहर में हो। तो अभी जल्दी से हम लोग बाहर की ओर चलते हैं। मैंने ना बगल में भी एक रूम देखा था जिसमें गाइस सेम ऐसे ही स्विचेस वगैरह लगे हुए हैं, तो फटाफट से हम लोग इसको प्रेस करके देखते हैं। ओके तो अभी यहाँ पे कुछ तो आ रहा गाइस, मुझे यहाँ से पंप हैंडल मिल चुका है, सो टेंशन लेने वाली भी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मुझे अभी अच्छे से मालूम है इसका यूज कहाँ पे आने वाला है। तो फटाफट चलकर हम लोग इसके इसके प्लेस पे लगा देते हैं, और मुझे बस इसको अभी साइड से होल्ड करके रखना है। मुझे तो लगता है इन दोनों ने यहाँ पे बहुत बड़े खजाना छुपाया होगा रे पापा। तो अभी ना इसके अंदर से एक बॉक्स बाहर आ रहा है, और शायद इसको खोलने के लिए हमें क्रोवर की भी जरूरत पड़ेगी, बट अभी उसको लाने से पहले हम लोग इस वाले रूम से स्विच बोर्ड की को भी ले लेते हैं। और अभी क्या रे पापा यहाँ से चलते ना गाइस। यहाँ पे ये बॉक्स कैसे खिलाया? अरे यार ये मोटू तो अभी वापस से आ गया गाइस। होली मेला खटो मेटो आए गाइस। यार हम लोग इससे क्यों डर रहे हैं, हमारे पास तो ऑलरेडी गन है, तो अभी हम लोग इसको शूट करते ना रे पापा। और इधर से अभी चिन्ना भी आ रहा है। तेरे को तो अपुन मारेगा। बड़ा है मेरे को मारने, निकल यहाँ से। पेट में मार के पास निकाल दिया।
और अभी हम लोग ऊपर आराम से जा सकते हैं। और अभी ना मैं काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता अभी इधर क्या होने वाला है। क्या पता हमें यहाँ से कोई तगड़ा वेपन मिल जाए। अगर ऐसा होता ना कि फिर तो चिन्ना चुनाटे की ऐसी की तैसी। यहाँ पे एमओ पड़ी दिख रही है, इस वाले रिवॉल्वर को हम लोग रिलोड कर लेते हैं क्योंकि अभी मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहता। ओके तो अब टाइम आ गया इसको यहाँ पे लगाने का और साइज इसको भी नीचे की ओर करना होगा। और भाई कुछ तो यहाँ पे हुआ है। तो गाइस मेरे को यहाँ पे भी डायमंड भी मिल चुकी है। लेकिन अभी एक सेकंड गाइस, हमें अपनी खुशी को कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने एस्केप को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करा है। तो फटाफट से इस क्रोवर को लेके अभी नीचे चलते हैं क्योंकि मेरे को ना अगर तभी उस वाले बॉक्स को भी चेक करना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो अभी सबसे पहले हम लोग इस वाले डायमंड को यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं। और अभी तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ गाइस, मुझे नहीं पता उस वाले बॉक्स में हमें क्या मिलने वाला है। रहा नहीं जाता, हमारा बॉक्स अभी यहाँ पे पड़ी है। और गाइस मेरे को यहाँ से स्क्रू ड्राइवर मिल चुकी है। अभी ना स्क्रू ड्राइवर को ऊपर ले जाने से पहले मैं इस वाले रेड की से मेन गेट को ओपन कर लेता हूँ। और अभी हमारा मेन डोर भी ओपन हो चुकी है। और मुझे तो लगता है ना अभी वो लोग दोनों वापस भी आ चुके होंगे। तो अभी थोड़ा सा संभल के गाइस क्योंकि ना मैंने चाहता कि हमारा एक डे भी वेस्ट हो। ओके तो यहाँ पे भी कोई भी नहीं है। तो अभी क्या रे बाबा, फटाफट से हम लोग अपना गन को ले आते हैं ना गाइस क्योंकि मेरे को मालूम है ये लोग इतनी आसानी से ये लोग स्किप करने नहीं देंगे। फोर सेफ्टी हम लोग अपना रिवॉल्वर को वापस से उठा लेते हैं। और अभी आ जाओ ना रे बाबा, अभी तो मेरे को ये दोनों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। चल झूठा। अच्छा हुआ कि यहाँ पे मेरे को कोई भी नहीं मिला वरना वो मेरे हाथों से पीट जाता गाइस। कुछ भी। तो अभी मेरे को सिर्फ और सिर्फ यहाँ का पेंटिंग को निकालना है और फिर तो हम लोग यहाँ से आराम से स्किप कर सकते हैं। पर अभी एकदम आराम से गाइस, अगर हम लोग जरा सा भी गलती करते ना तो सीधा हम लोग नीचे गिर सकते हैं और फिर तो वो लोग हम लोग को मार देगा रे पापा। सबसे पहले ये सारे स्क्रू को हटा लेता हूँ और अभी इसको भी हटा लेता हूँ और अभी इसको भी। और अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक लाश बचा है और फाइनली हमें यहाँ से पेंटिंग मिल चुकी है गाइस। और अभी क्या रे पापा, इसको नीचे ड्रॉप कर लेते ना गाइस। सो फाइनली अभी हमें तीनों के तीनों चीजें मिल चुकी है और मुझे बस अभी नीचे जाना बाकी रह गया है। तो अभी एकदम आराम से गाइस, मेरे को जरा सा भी गलती करके यहाँ से बिल्कुल नहीं गिरना रे पापा। जल्दी से इस वाले पेंटिंग को उठा लेता हूँ और यहाँ पे पड़े कॉइन को भी क्योंकि ना स्किप करने के लिए सारे आइटम काफी जरूरी है। लेकिन अभी रुको गाइस, मुझे स्किप करने के लिए अभी वो वाला आयरन डिस्क भी चाहिए होगा। तो इस वाला आयरन डिस्क को भी ले लेते हैं। तो इसको लेके भी चलते ना गाइस। अरे भाई फिर से किसी ने मेरे को देख लिया। बस हवा निकल गई। हवा तो अभी इसकी निकलेगी गाइस। अरे बड़े हवा निकल ली, बॉडी दिख रही है बॉडी। अभी गोली मैं तेरे बॉडी पे ही मारूंगा। बड़े आए थे मेरे को बॉडी दिखाने। तो अभी बस मेरे को कुछ भी नहीं करना गाइस, इस वाले डोर को ओपन करने के लिए इसको अभी हम लोग को यहाँ पे लगाना है। और मैं अपना फटाफट से डायमंड को भी उठा लेता हूँ। पता नहीं ये चिनोटे भी कहाँ पर होगा। वैसे मुझे उससे क्या, मुझे बस यहाँ से एस्केप करना था रे पापा। तो बाय बाय चिन्ना चिनोटी। अरे चिनोटी गधेड़ा, ये सब तेरे कारण हुआ। अरे भाई मेरे को क्या पता, मैं तो डल गया था। डरपोक कहीं का मेरे को माना। अभी कोई देख तो लेना है ना।